हमेशा जो डायरेक्टर होते वही करते हैं. स्टिल रिमेंबर आई वाज शूटिंग फॉर जैकी चैन फिल्म इन चाइना एंड व्हेन आई स्पोक टू विजय सर ऑन द फोन, सो एवरीथिंग हैपेंड ऑन द फोन. और व्हेन ही नरेटेड मी द होल स्क्रिप्ट आई न्यू दैट आई नो आई एम वर्किंग विद समवन हु इज ब्रिलियंट विद हिज brilliant as a technician, and I've seen his earlier work also in Tamil. So we knew that we were in safe hands, and once the whole film started rolling, and the whole journey was like a dream. You know, the whole team, Prabhu sir, Tamanna, and all the technicians who were involved in the film. You know, it was like a dream come true working with everyone. And now we are all set to, you know, come in front of everyone. So fingers crossed, and just need the wishes. यार ये क्या लिखा हुआ है पूरा, मैं देखना कोशिश कर रहा था, प्लीज लिख देना. सक्सेस इज नो एक्सीडेंट. यार ये बात तो बिल्कुल सही है. क्या बात है, सोनू के लिए बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि मैं इनको बचपन से कह सकता हूँ, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बचपन से कह सकता हूँ, जब ये इंडस्ट्री में आया तब से मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ. नहीं इनके बचपन से सर, मैं आपने मुझे हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र फिल्म में नहीं देखा नहीं, पर मेरा मानना पड़ेगा ये बात तो, बहुत कड़ी मेहनत है, और फराह खान के साथ ही काम कर चुका इंसान है, और क्या चाहिए इसको लाइफ में यार. पर सुनो, ये तो कोई सक्सेस वाकई एक्सीडेंट से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक्टर जानता हूं मैं कितनी मेहनत करते हैं, इतनी हीरोइन यहां मौजूद हैं. तो आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी जर्नी जो रही आपकी, यात्रा रही, हाउ वाज इट? बहुत कमाल की थी, बट आई वुड लाइक टू यू नो जस्ट टेल दैट इट हैपेंड ओनली बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स विश फॉर इट. माय मॉम एंड डैड, you know, on my dad saying only I started Shakti Sagar Productions. He actually was never interested in movies, never saw any movies, but when his son became an actor, so he started watching movies, and then he used to watch every day, har roz film dekhte rahe. Main bolta hu papa ki kaun si film dekh rahe ho yaar, Dabang chal rahi hai yaar, Ramaiya Vastavai chal rahi hai. Main bolta aap 10 baar dekh chuke ho, 15 bhi chhodo dusra channel, kehte nahi main dekhta hu, fir dekhte rehte the. So I think the dream came true that you know I'm standing here in front of you, and you know, of course, my wife Sonali, she's also a co-producer now, and you know, all their wishes, they've been really patient, you know, with me. I know it's a very tough line, you know, when you're an actor, you don't get much time to spend in the family, but I think all the sacrifices made this happen. And of course, my mom and dad, you know, from up there, they did some magic which made me stand in front of you today. So I think because of them only, sir, everything happened. सुनो, एक तो एक्सीडेंट है शादी का, उसके सिवाय कौन सा एक्सीडेंट हुआ जिसका नाम सफल हुए? मुझे लगता है दुआएं होती हैं आपके साथ, यू नो, जो काम करती हैं, एंड आई ऑलवेज बिलीव इट. जब मैं पहली दफा मुंबई आया था तभी भी मुझे लोग पूछते थे कि यार तू इंजीनियर है, किसी को जानता नहीं, हाउ विल इट हैपन. सो मुझे पता था कि मैं एक दिन यू नो प्रभु सर के साथ काम करूंगा, फराह खान के साथ काम करूंगा. तो ये नाम मुझे मेरी लिस्ट में पहले से थे जब मैं आया था इस शहर में, और आप उनके साथ जुड़ा भी हूँ. सो आई थिंक कहीं ना कहीं तकदीर जुड़ी होती है. सही बोला था ना फरा मैंने, बिल्कुल सही बोला. विजय सर कुछ बोलना चाहते थे आप? आई फॉरगॉट अ मोर इंपॉर्टेंट पेपर आई जस्ट थिंक तमन्ना आई नॉट गॉट इट फॉरगॉट. सो आई थिंक द व्हेन द फिल्म वाज स्टार्टेड आई थिंक द ओनली द मेन पर्सन वाज एक्चुअली बिकॉज़ फिल्म स्टार्ट हीरोइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फिल्म बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल. आई थिंक द थॉल किक स्टार्टेड बिकॉज़ व्हेन तमन्ना सेड यस नो थैंक यू तमन्ना एंड आई थिंक यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब इन द फिल्म. आई शुड से दिस Prabhu sir performance, I literally enjoyed every minute of yours. So it's a lot. People enjoy the same what I did in the monitor. Thank you, Farah ma'am. I think it's a great honor even to see you and to work with you. Thank you, Isha. And I should also have a great technicians like Manohar Verma, action director, just is here. And my assistant directors, Bhavya, Shuma. Yeah, everyone is here. Miss any name, you know, I think Paresh. Paresh, yeah. Paresh, of course, you did the choreography of... Here, yeah. Real Gaddi, you know, assistant Juhi, you know, Prabhu sir, yeah. Prabhu sir, my co-producer Dipshika Deshmukh, I think she's... Please bulaiye in question. Pehle, I first like to call Dipshika, yeah. Please come. So, kya raaye dena chahenge Sonu ko abhi? It's such a good project. I mean, isme from Prabhu sir to Sonu to Tamanna, sweetest special appearance by Farah, Aisha, itna dhamaal hai, entertainment unlimited. So, it's like an amazing film. I'd also like to call Sonali. Please come, Sonali. She's Sonu's wife and she's also co-producing with me. So. Kya baat? Sonu bichara mat dhanda kar raha hu bhai. Bhagwan apna jane kya kya puchegi. Chalo bhai gayi hain to aap ek do question puch hi leta hu Sonu ke bare mein. Kaisi hain aap? This at all, so please don't ask me embarrassing questions. Dekhi itne ghar pe to itna bolti hai yaar, yahan bhi kya problem hai?
पता चलना चाहिए एटलीस्ट यू शुड रियलाइज कि क्या टेंशन होती है लाइट्स और माइक सामने आ जाता है सारे सोनू ने लिखे हैं The dialogue in which he says that sabki bibi main bhoot aaye ho, he didn't mean it for me. वैसे dialogue मेरे लिखा हुआ था जब मैं और घर से बहुत inspired हुआ था मैं. देखो ये सीधे सीधे मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब क्या है? ये तो आप ही बता सकते हैं. You know him better, I think. वो तो घर में जानती हूँ लेकिन इनके बारे में कुछ बता दो ना यार. देखो तुमको देख के उन्होंने line लिख दी We are not married for 25 years, but I know him. We are like childhood sweethearts, so I know him for 25 years, and I think he's really, really the sweetest guy I've ever met. Beta, अच्छा producer बनेगा ये. अरे बीवी को जो manage करने का क्या चाहिए life में? Actor up to सब घर की बात है. Thank you, Sonny. बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत बढ़िया. एक बार सोचा था नहीं चाहिए. Fantastic. भाई बीवी हो तो ऐसी हो. वो film वाली ना हो यार. अपनी भड़ास निकाली सुनो actually मुझे लग रहा है. Good. आओ भाई और कौन-कौन है आपके साथ में? You know, I would like to call. प्रभु सर प्लीज सर जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रभु सर के लिए यो कम ऑन अरे हाथ ऊपर करके यार क्या बात है सर मुझे भी स्टेप सिखाओ ना सर एक सर छोटा सा सर सर प्लीज सर देखो फरा तो मुझे काम देती नहीं है सर इसीलिए सर एक बताओ ना सर कैसे सर मैं इंप्रेस कर सकूं सर अरे सर प्लीज सुनो यार तुम क्या करते हो यार प्लीज यार सर ऐसे कुछ कैसे होता है बात काटते हैं ना ये कैरेक्टर डांसर भी मतलब इतने तेज होते हैं बड़ा जी समझ गया मैं आपको ही समझता था सर लेकिन बोलते कम है लेकिन करते बहुत ज्यादा है सर क्या कैरेक्टर सर इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या रोल है आई मीन हाउ टू से आई थिंक डायरेक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू नहीं वो तो बहुत थैंक यू हो चुका बहुत अच्छा हो गया वो सर आप कैरेक्टर के बारे में बताइए रियली आई डोंट नो हाउ टू टेल माय कैरेक्टर सो यू कैन डांस एट अलास सर कैरेक्टर तो आप देखेंगे बट जो सर का डांसर है वो पक्का सीख लो सीखने बताई नहीं रहे सर बताइए ना सर सीखना चाहता हूँ सर सर सीखना चाहता हूँ सर सिर्फ आप फिल्में सर तो समझ गए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सुनो ये मैंने देखा यार यहाँ पे रेलगड्डी में बहुत खूबसूरत सी कन्या थी जी तो वो रेलगड्डी में हमेशा मिलती है अधिकतर ऐसा होता है मैंने देखा है शायद आप लोगों ने फील किया होगा जो मुंबई के बाहर मैं एक रेलगड्डी से पहले एक और जो हमारी पिक्चर की रेलगड्डी है उसकी जो कन्या है उनको बुलाना वही मैं कह रहा हूं मैं वही जो जिस भूत की बात हो रही है भूत के लिए इतना झगड़ा हो रहा है कोई बोल रहा है कि मेरी हीरोइन है कोई बोल रहा है कि मेरी पत्नी है तो वो आगे पता बता दे कि है क्या है क्या बहुत सारी चीजें बोली जा रही है आई नो मैं भूत हूं दीदी मैं भूत है दीदी भूत है छोड़ने वाली नहीं हूँ मैंने साउथ में ऑलमोस्ट अभी बोलना तो बहुत लंबा लगता है एक्चुअली बट 10 साल से जो फिल्में की है आई वॉज लुकिंग आउट फॉर समथिंग वेयर मुझे एक एक्ट्रेस के तौर पे लोग नोटिस करें एक किरदार को नोटिस करें और जब विजय सर ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए मैंने एक्चुअली पहले 15 मिनट में हाँ कर दी क्योंकि मुझे लगा दिस इज़ द स्टोरी दैट पीपल शुड हियर एंड उससे भी अच्छी बात है कि इट्स अ वेरी फन सब्जेक्ट जो बहुत ही एंटरटेनिंग है उसका फॉर्मेट बहुत एंटरटेनिंग है सो दैट वाज व्हाट एक्चुअली वर्क्ड फॉर मी एंड आई वाज लिटरली इनटू द फिल्म 15 मिनट्स आफ्टर आई हर्ड द स्क्रिप्ट सो या दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर विजय सर बिकॉज ही वाज सो कन्विंसिंग एंड जिस तरह से उन्होंने पिक्चर शूट किया और आई डोंट नो लोग यहाँ पर जानते हैं कि नहीं ये फिल्म 3 भाषाओं में शूट की गई है हिंदी तमिल तेलुगु So it was an extremely new experience for us क्योंकि प्रभु सर मैं सोनू हम हर शॉट 3 बार करते थे वो आप कोई सीन हो कोई लंबा सीन हो या एक गाने का लंबा स्ट्रेच ऑफ शॉट हो हमें सब 3 बार करना पड़ा तो ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और आई डोंट लाइक टू एडमिट इट बट ये 30वीं लैंग्वेज का आइडिया मेरा था सो व्हेन आई गॉट इनटू इट आई वाज लाइक ओके आई वाज वेरी एक्साइटेड आई हर्ड द स्क्रिप्ट बट नाउ आई सजेस्टेड दैट वी शुड डू अ थर्ड लैंग्वेज But I felt this was a film which is completely universal. भाषा से कहीं आगे है I think किसी भी भाषा में ये फिल्म रिलीज की जाए चलेगी ये मेरा मानना है And I'm just very happy that I got to work with Prabhu sir
because I've always admired him. In fact, I remember giving a performance on stage as a tribute to him. And aaj unke saath kaam karna, unki biwi ki tarah kaam karna, I was very, very happy to do that. And it's been an amazing experience for me, kyunki humne bahut hi ek bahut hi quick schedule mein ye film quick do schedule mein, do teen schedule mein ye film khatam ki hai. And that's possible only agar sabki planning bahut achhi ho. So again, Vijay sir, thank you for being so well planned and you know, making this film happen so beautifully. Sonu ke sath main bahut si filmon mein kaam kar chuki hu in the south, and now I was very happy to work with him after so long. And I think he has looked amazing in this film. Like, I was like, every time he wore a new costume and came, I was like, I have never seen you looking so dapper. So so Sonu, you're looking stunning in this film. And mujhe ek baat kehni hai film ke bare mein ki yahan par Peet Farah ma'am, they're all, you know, friends and people who I really adore, I really love. Thank you, Farah ma'am, for being a part of this film. Aise lagta hai doston ke sath kaam kar rahe hain. And Prabhu sir ko main isse pehle nahi jaanti thi, but he mere liye, he is my teacher, he is my guru, because is film mein ek jo gana raha hai mera, wo mere liye bahut hi mushkil tha. And agar Prabhu sir ne mujhe us gaane mein madad nahi ki hoti, shayad main wo gana kabhi nahi kar pati. So thank you, Prabhu sir, for being there for me. And I have to do this. It's time. And we can't forget the very, very amazing choreographer who was also helping out in the song. His name is Paresh. And there's Juhi, his lovely assistant. Please stand up, show your faces to the lovely camera. So yeah, inke bina bhi yo gana possible nahi hota. So thank you all. And you know, I have known Vashu ji for all my Hindi films, and now Deepshika is here, so I'm so thrilled, because the, you know, I feel like the world is so small. You end up meeting all the same people and working with them, so it feels awesome and great. I feel like it's working with family. Isha is the you know, a total chiller. I love hanging out with her. I think we have some catching up to do. And your song looks stunning. You look so hot. So thank you all, and thank you all for being here. I hope I haven't taken too much of your time. क्या बात है, बहुत बड़े जोरदार ताने में चाहिए सर. चुनाव का वक्त आ गया है सर, तो इनको प्लीज आप खड़ा कर सकते हैं कहीं पर किसी भी एरिया से. बहुत अच्छा बोल, बहुत एक बार जोरदार ताने होनी चाहिए. पूरा कोटा कंप्लीट कर सकती है. वेरी गुड, वेरी गुड. आप इस बार स्टेज के नीचे भेज देते तो मैंने बोला एक ही झटके में सब बोल दूं. ऐसा नहीं हो आप बोर हो जाओ, बोला चलो चलो बैठ जाओ. इतनी एक ही झटके में सब खत्म करना है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. इतनी खूबसूरत लड़की खुद भी जिंदगी में हम तो मतलब कमाल करते हैं मतलब. लेकिन यार हमेशा मैंने सुनो एक चीज देखी है, जो लोग मुंबई शहर बाहर से हैं, वो जब मुंबई शहर में आते हैं तो ट्रेन में आते हैं. आपने देखा कौन कौन आया है ट्रेन में, जाओ मुंबई शहर, जरा हाथों खड़ा करो यार, कितने लोग यहाँ पे फ्लाइटों में आए हैं. सब फ्लाइट वाले हैं. अरे सब ट्रैवल किया है. तो अधिकतर क्या होता है, जो जवान लड़के होते हैं, इनकी शादी नहीं होती, उनको ऐसी आशा रहती है, इच्छा होती है कि यार ट्रेन में काश कोई लड़की मिल जाए. नहीं उसने जवान लड़कों की बात की. जवान तो अधिकतर दिल में होता है कि यार काश ये लड़की मिल जाए, मेरे बर्थ के पास मिल जाए, या यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए. लेकिन मैंने देखा भाई इसमें तो यार एक बहुत ही खूबसूरत सी कन्या है. अगर आई है तो प्लीज स्टेज में बुलाओ, और नहीं आए तो कुछ बोलना चाहो तो उसके बारे में बोल लो. मैं यही कहूंगा कि जब ट्रेन यहाँ तक पहुंच गई है तो जो ट्रेन में सवार लड़की है वो भी यहाँ पर पहुंचनी चाहिए. अच्छा, आई वुड लाइक टू कॉल ईशा. यू नो, आई थिंक शी हैज डन अमेजिंग जॉब इन द सॉन्ग. जोरदार तालियां होनी चाहिए ईशा के लिए, कम ऑन. Everyone, good afternoon, and thank you for coming. And it's Hindi English. किस पे बात कर रहे हो? आप दोनों बात कर सकते हैं. दोनों में बात कर सकते हैं. तो इस गाने से शुरुआत करूंगी. सबसे पहले खासकर जब आप नॉर्थ से आते हैं, नॉर्थ में ही नहीं, आप आई थिंक बचपन में हम सब ने शादियों पे इस गाने पे डांस किया है. तो जैसे ही मुझे सोनू ने कॉल किया था इस गाने के लिए, मुझे सोनू ने भेजा, उन्होंने मुझे इस गाने के लिए भेजा, तो मुझे यार ये हमारे बचपन का गाना है, इससे तो हमें डांस करना ही पड़ेगा. सो एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, सोनू's film, सोनू has been a dear friend, is a dear friend, and इस इंडस्ट्री में बहुत कम होते हैं जो आपके दोस्त हो, और मेरे लिए सोनू उनमें से एक है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद प्रभु सर. आई मीन इट्स वेरी टफ मैचिंग स्टेप्स विद प्रभु सर, बट to a great extent I'll like to give the credit to I like to come, please Paresh and Juhi, you have to come on stage. Paresh please come on the stage, ek baar zorda taali chahiye Paresh ke liye. acha wo step kar dega na, real gaddi wala. ye ha, choreographer hai, aise nahi entry maar sakte, step ke sath maarna padega. aur sikhao please hum log yaar. oho kya baat hai, come on, ye
And yahan se wahan tak chalna hai fir main bhi so sorry for the wardrobe I'm directly come from the rehearsal also acha khasa hai sab dabav hai to kya pen kya tha coat pen tie pen kya tha nahi tha no but it's been a pleasure and Tamanna has been a dear friend since we worked on her film which was obstacles it's been an experience and I'm just happy I've got the great team and Vijay sir I mean I saw his work and मैंने ट्रेलर ही देखा है बस मूवी का मगर इतना कहना चाहूंगी इस फिल्म को ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड आई एम रियली हैप्पी इन माय ओन स्मॉल वे आई वाज एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म भाई ये जो रेलगाड़ी चालू हुई है उसको उसकी एक जो आवाज आप सुन रहे हो रेलगाड़ी की आवाज जो हमारा इंजन है वो भी यहां पे इंजन आया हुआ है अच्छा इंजन आया हुआ है या क्या बात आई वुड लाइक टू कॉल नवराज आल्सो ऑन द स्टेज नवराज के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए ओहो नवराज यू नो बहुत ग्रेट सिंगर है हंसराज हंसी उनके बेटे हैं नवराज एंड मुझे याद है कि हम लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहा था मैं जा रहा था तो सडनली नवराज कहता है भाजी क्या कर रहे हो मैं कह रहा बस अभी कुछ गाने प्लान कर रहे हैं हम लोग फिल्म के कहता एक बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में गाना मैं सुनाऊंगा मैं क्या हाँ सुना रहा है जिसमें पूरा जिम का म्यूजिक बज रहा था नवराज ने वैसे ही गाना शुरू किया मैं कह रहा अच्छा चल अभी बना रहे हैं इसको हमने गाड़ी में बैठे और उन्होंने सीधा स्टूडियो गए दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेड रेलगड्डी सॉन्ग सो बोलते नहीं कोई कोई चीजें हो जाती हैं बन जाती तो आई थिंक नवराज इज बीन वेरी वेरी स्पेशल फॉर दिस सॉन्ग नवराज यू वांट टू से समथिंग सब तो पहले तो सारे नु सत श्री अकाल जी और पाजी बिग थैंक्स टू यू आपने मेरे पे ट्रस्ट किया ये गाना मुझे गाने दिया और मैं मेरा दिल इतना कर रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं जिन लोगों को स्क्रीन पे देखता रहा हूं आज उनके साथ खड़ा हूं प्रभु सर पाजी तमन्ना जी ईशा जी और फारा मैम सामने खड़ी है मुझे तो मेरा ऐसे सच्ची मेरा दिल बहुत डर रहा है मेरा गला ड्राई हो गया एकदम पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे खड़े होना इस स्टेज पे खड़े होना आके गाना पर बस मैं थैंक्स करता हूँ अपने गुरु जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ उस्ताद मेरे उस्ताद जी हैं श्री हंस सर हंस जो मेरे फादर भी हैं वो मेरे गुरु हैं और मैं जो भी गा रहा हूँ सिर्फ उनके सिखाया हुआ और उनकी वजह से गा रहा हूँ मैं अगेन थैंक्स करता हूँ सबका यहाँ आने के लिए और भाजी थैंक्स टू यू मैं कौन आ गया इजाजत है जी बिल्कुल बिल्कुल ओ गोगड़ बागे काले काले उच्ची हील ते आई इंजन बन गई तू गड्डी दा लभदी स्पीड बढ़ाई ओ एर में तेरे हेर उड़ते लगदी हाई फाई एर में तेरे हेर उड़ते लगदी हाई फाई ओ बिच्चे हो जा ओ बिच्चे हो जा